नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप ही के YouTube चैनल पर। दोस्तों, गाड़ी चलाना तो कोई भी सीख सकता है, गाड़ी चलाना सीखा जा सकता है, बट मेन रीज़न उसका जो मेन जो बड़ा चैलेंज का होता है उसको मेंटेन रखना, उसको सही तरीके से चलाना, उसको सही तरीके से मेंटेन रखना, ताकि आप अपनी गाड़ी को लॉन्ग लाइफ पा सकें, मतलब अपनी गाड़ी को लंबी लाइफ दे सकें। तो मेंटेन करने में क्या है, टाइमली उसकी सर्विस कराना, उसको अच्छे तरीके से चलाना, रैश ड्राइविंग ना करना, और आपके गाड़ी के स्पार्क प्लग्स, उसकी थ्रॉटल बॉडी, उसका एयर फिल्टर, ये हमेशा से A1 रहने चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपकी गाड़ी का परफॉर्मेंस अप टू द मार्क रहे, बेहतरीन रहे, आपकी गाड़ी का पिकअप बहुत अच्छा रहे, तो आपको इन तीन चीज़ों पर हमेशा से ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि गाड़ी को जितनी अच्छी क्वालिटी की एयर मिलेगी, गाड़ी के कंबस्शन चैम्बर में जितनी अच्छी क्वालिटी की एयर जाएगी, उतना ही अच्छा आपको पिकअप मिलेगा, उतना ही अच्छा इंजन से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो दोस्तों, स्पार्क प्लग्स के लिए मैं बता चुका हूँ जिस तरीके से, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया कि स्पार्क प्लग जब आप चेंज कराएं, जब आपको गाड़ी में दिक्कत महसूस होने लगे, ऐसा नहीं है कि 10,000 किलोमीटर चल गई तो अब स्पार्क प्लग खराब ही हो गए, या 15,000 किलोमीटर चल गई तो स्पार्क प्लग खराब हो गए। स्पार्क प्लग आप एक बार चेक कराइए हर 10,000 किलोमीटर पे जो आप सर्विस कराते हैं। अगर आपका मैकेनिक, आपका मिस्त्री कहता है स्पार्क प्लग को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आपकी गाड़ी माइलेज भी ना दे, ये एक सिंबल होता है, ये एक सिम्टम्स होते हैं कि अगर गाड़ी माइलेज कम दे रही है, या पिकअप नहीं ज़्यादा आ रहा है, या CNG पर भी माइलेज कम आ रहा है, तो ऐसे में आपको स्पार्क प्लग चेंज करा लेने चाहिए। दूसरा, आपको थ्रॉटल बॉडी हमेशा क्लीन करानी चाहिए, आपका एयर फिल्टर हमेशा क्लीन रहना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी कोशिश हमेशा से ये रहती है कि आपको एजुकेट करें, आपको जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा मिले, आप जानकार बने। देखिए, बाहर जाकर के तो कोई भी रिपेयर करा लेता है पैसा दे करके, मेनली है कि आज के समय में अगर हम थोड़ा भी पैसा बचा सकते हैं आपके जानकारी मिल करके, या हम जो है उस चीज़ को जान करके, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, मेरा हमेशा से फोकस ये रहा है कि आपको जानकारी दिया जाए, आप जो है इसमें जानकार बने, आप एजुकेट हों। तो दोस्तों, आज मैं उसी एजुकेशन के चलते आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से थ्रॉटल बॉडी क्लीन की जाती है। बहुत सारे लोग कमेंट भी ये कर रहे थे, थ्रॉटल बॉडी कब क्लीन कराना चाहिए, थ्रॉटल बॉडी कैसे क्लीन होती है। तो दोस्तों, थ्रॉटल बॉडी क्लीन कराने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसको क्लीन कराने के लिए लोग 500 से 1,000 रुपये चार्ज करते हैं, 300-350 रुपए का वो बोलेंगे स्प्रे आएगा, और साथ ही साथ आपको जब 500 रुपए उसके क्लीनिंग के मांगते हैं। तो दोस्तों, ये पैसा आप बचा सकते हैं, एटलीस्ट 500 रुपए जो लेबर चार्ज है फ्री फंड का, जो मतलब बिना मतलब आपको देना पड़ता है छोटे से काम के लिए, वो नहीं आपको देना पड़ेगा। आप चाहें तो स्प्रे से साफ कर सकते हैं, आप चाहें तो कपड़े से साफ कर सकते हैं। थ्रॉटल बॉडी अगर क्लीन रहेगी तो इंजन की आइडलिंग बेहतरीन रहेगी, इंजन जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, लो RPM पर गाड़ी झटके नहीं मारेगी, लो RPM पर गाड़ी को इशू नहीं होंगे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं बोनेट की तरफ, और मैं आपको दिखाता हूँ सभी चीज़ एक एक, ध्यान से आप देखिएगा किस तरीके से जो है कौन सी चीज़ खोली जा रही है, कौन सी चीज़ लगाई जा रही है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ आप एक स्क्रू ड्राइवर से इसको पूरे कार्य को अंजाम दे सकते हैं, पूरा कार्य ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा अंत तक, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, कोई भी पार्ट, कोई भी जो है प्रोसेस या स्टेप मिस ना हो, तो इसलिए पूरा वीडियो देखेगा। और वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना साथ ही साथ ना भूलिएगा, और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से थ्रॉटल बॉडी आप घर बैठे क्लीन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर से। कि किस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि थ्रॉटल बॉडी क्लीन करनी है, ठीक है। तो अगर आपकी गाड़ी 10,000 से ज़्यादा किलोमीटर चल चुकी है, गाड़ी में मज़ा नहीं आ रहा और कुछ झटके ले रही है, या पिकअप में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, देखिए हर चीज़ के बहुत एक अगर पिकअप नहीं आ रहा तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी झटके ले रही है तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, पर मैं आपको एजुकेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप जान सकें और घर पे खुद ही ये छोटी छोटी चीज़ें कर सकें। देखिए, ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इन्हीं चीज़ों के 500 रुपये से 1,000 रुपये लोग चार्ज करते हैं। आपको थ्रॉटल बॉडी क्लीन करानी होगी, बोलेंगे 300 रुपये का जी प्रेशर वो आएगा, स्प्रे आएगा, 300-400 रुपये वो क्लीनिंग करने के ले लेगा। तो वही चीज़ें मैं आपको बहुत इजीली बताने वाला हूँ, और वही चीज़ें आप बड़े ध्यान से देखिएगा कि आप कैसे खुद से ही, बहुत छोटी छोटी ये चीज़ें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, बट है बड़ी छोटी बट इम्पॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि इसी पे गाड़ी की लाइफ डिपेंडेंट होती है, इसी पे गाड़ी की परफॉर्मेंस डिपेंडेंट होती है। जैसे कि स्पार्क प्लग्स हो गए आपके, और दूसरा एयर फिल्टर हो गया, थ्रॉटल बॉडी हो गई, ये दो तीन चीज़ें अगर क्लीन रहती हैं टाइम टू टाइम,
तो आपकी गाड़ी का जो रिस्पॉन्स होगा, गाड़ी की जो परफॉर्मेंस होगी वो एकदम औसम रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना ये है कि ये जो एयर फिल्टर का पाइप है ये आप निकाल दें खींच के। इसमें सिंपली ये खींच के निकल जाएगा इस तरीके से। मैंने अभी ये सब कुछ हटा दिया था, फिर से दोबारा लगाया ताकि आपको दिखा सकूं। और दूसरा, फिर ये एयर फिल्टर के ये दो क्लिप्स हैं, ये आप पीछे की तरफ पुश करेंगे ऐसे नीचे की तरफ, तो ये निकल जाएंगी। ये देखिए ये निकल गए। अब आपको क्या करना है, इस नट को लूज़ कर लेना है, ये वाले को मैंने पहले ही से लूज़ करके रखा है। ये लूज़ करेंगे आप तो इसको ये पूरा का पूरा इस तरीके से प्लास्टिक का ये कवर निकल जाएगा। देखिए पीछे ये लॉक्स लगे रहते हैं, ये ऑटोमेटिकली खींच के बाहर आ जाएंगे। अब आपको इसके पाइप्स में से भी ये निकाल लेना है खींच करके। ये देखिए ये निकल गया, ये है आपका एयर फिल्टर। जी हाँ, एयर फिल्टर क्लीन नहीं होता तो भी गाड़ी दबेगी, चाहे सीएनजी हो चाहे पेट्रोल हो, मज़ा नहीं आएगा। पिकअप में नहीं, पिकअप नहीं बनेगा, गाड़ी एसी पे भी दबेगी। एयर फिल्टर आप चेक कैसे करें, ये देखिए, ये आप ऐसे सिंपली निकाल लेना है और इसके नीचे की तरफ आपको देखना है। ये अगर इसकी कंडीशन आपको ठीक लगती है और आपने 10,000 12,000 15,000 किलोमीटर पहले ही साफ़ कराया है, तो फिर भी एक बार इसमें एयर प्रेशर एयर से आप साफ़ करा लें। जैसे किसी स्कूटर वाले पे या किसी कार वाले पे नॉर्मली ये जा करके आप एयर से भी साफ़ करा सकते हैं, और या किसी ठोस चीज़ पे इसको थोड़ा सा मार करके भी साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने अभी साफ़ कर दिया है, ये बहुत धूल निकली थी। इस तरीके से आप निकालेंगे इसको, लगाएंगे तो बहुत धूल निकलेगी इसमें से। तो और अगर आपको लगता है कि एयर फिल्टर बहुत गंदा हो गया है, चौक हो गया है, या आपको लगता है कि साफ़ नहीं करना भाई नया लगाना, तो 200-250 रुपये का एयर फिल्टर आता है। या आप अपना बुडमो से या कहीं से भी ऑनलाइन मंगवा के और लगा सकते हैं। सिंपली इसको ऐसे लगा देना, ये देखिए, आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना। बट ये है कि इसी एजुकेशन की कमी के कारण ही लोग बाग हज़ारों रुपये फूंक देते हैं एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग्स और ये सॉटल बॉडी क्लीन कराने के। आगे चलते हैं, ये हमने निकाल लिया। उसके बाद अपने को ये निकालना है सिर्फ। दोस्तों ये सभी मारुति की जितनी भी गाड़ियां हैं उसका लगभग पैटर्न यही रहता है, क्योंकि 1200 सीसी के इंजन ज़्यादातर गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं मारुति के, जैसे कि स्विफ्ट हो गई, बलेनो हो गई, आपकी वैगनार की जो 1.2 लीटर में आ रही है वो हो गई। तो 1.2 लीटर के जितने भी इंजन होते हैं उनका सबका कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगा। 1 लीटर इंजन के साथ भी यही कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है, और ज़्यादातर गाड़ियों का एयर फिल्टर इसी तरीके से ईजिली बाहर आ जाता है। अब दोस्तों करना ही है, देखिए एक तो ये सेंसर का पिन है, इसको आप यहाँ पर ये प्रेस करेंगे, ये प्रेस करके आप निकाल लीजिए बाहर। ये क्लिप होती है, ये निकल जाएगी। ये देखिए इसका एयर सेंसर, देखिए ये होता है अंदर, ये प्लास्टिक का आपको दिख रहा होगा, ये एयर सेंसर होता है, सेंस करता है एयर की क्वालिटी को और ये डेटा भेजता है ECU को, ये ECU से जुड़ा हुआ है। ये आपको निकाल लेना है। एक ये प्लग होगा, ये सिंपली बाहर खींचेंगे आप निकल जाएगा ऐसे। ये देखिए, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से निकल गया। इसका जो ये है सॉकेट, एक ये है आपको दिख रहा होगा, एक ये है, ये एयर क्वालिटी के लिए है। ये भी इस तरीके से लगा होता है, चाहे तो आप लास्ट से भी इसको थोड़ा ढीला करके निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको ये वाला पेंच लूज़ करना है ताकि ये रबड़ का ये निकल सके। तो ये भी मैंने ऑलरेडी पहले ही से लूज़ करके रखा है, आप देख सकते हैं, इसको मैं निकाल लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने निकाल लिया। थोड़ा सा टाइट खींचेगा पर आपको खींच करके बिना किसी डरे, बिना डरे आपको ये खींच करके निकाल लेना है। अब ये है आपकी गाड़ी की थ्रोटल बॉडी। इसमें देखिए ये जो हल्का हल्का आपको ब्लैकिश ब्लैकिश नज़र आ रहा साइड में, यही है कार्बन, यही ब्लॉक कर देता है एयर की, एयर को आने से अंदर। जैसे आइडलिंग में होगी गाड़ी, तो गाड़ी अगर आइडलिंग में है तो फिर हो सकता है कि जैसे आपकी गाड़ी आइडलिंग में जो फ्लक्चुएशन है RPM का फ्लक्चुएट करे, या मतलब गाड़ी का RPM फ्लक्चुएट करेगा, या फिर गाड़ी पिकअप नहीं लेगी, इनिशियल पिकअप जो लेते हैं स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर आप सिंपली उंगली डाल के देख सकते हैं कि ये देखिए है हल्का है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ही साफ़ कराया। इसको उंगली से प्रेस करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा। ये देखिए ये है,
ये आपकी एक्सेलरेशन की वायर से जुड़ा हुआ होता है। तो इसको आप अगर स्प्रे से साफ नहीं करना चाहते तो सिंपली एक कॉटन का साफ कपड़ा लीजिएगा, जैसे मैंने कॉटन का एक वो लिया है टिश्यू, और इसको साइडों से साफ कर दीजिएगा ऐसे उंगली डाल के। ये देखिए, इससे बहुत फर्क पड़ेगा आपकी गाड़ी की माइलेज में, गाड़ी की परफॉर्मेंस में। तो इसी तरीके से देखिएगा, मैं क्लीन कर देता हूँ पहले इसको अच्छे से। तो देख सकते हैं आप, ये नीट एंड क्लीन हो गया है बिल्कुल, और कुछ ये थोड़ा सा ही कचरा निकला, क्योंकि 1 से 1.5 हज़ार किलोमीटर पहले ही मेरी गाड़ी की सर्विस हुई थी, तो मैंने उनसे थ्रॉटल बॉडी क्लीन वगैरह करा ली थी, मारुति वालों ने कर दी थी। तो ये देखिए आप, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, आपको स्प्रे भी लगाने की ज़रूरत नहीं। क्यों 300-200-300 रुपए का स्प्रे ख़राब करें। हाँ दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप इसको कॉटन के कपड़े से, जैसे सैंडो बनियन हॉजरी का कोई कपड़ा होता है, उससे साफ़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से साफ़ होगा। किसी टिश्यू पेपर से साफ़ करेंगे तो हो सकता है टिश्यू पेपर का टुकड़ा टूट के अंदर चला जाए, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो इसीलिए आपको किसी कॉटन के साफ़ कपड़े से ही इसको साफ़ करना है। टिश्यू पेपर और बाकी सिल्क का कोई कपड़ा अवॉइड करिएगा, क्योंकि वो उतने अच्छे से साफ़ नहीं कर पाएगा। अब आपको करना क्या है, सिंपली ये जो आपको दिख रहा है रबड़ का, ये इसको फिर से इस पर ऐसे ही लगा दीजिए। ये देखिए, ये फिक्स हो गया। आपको इस नट को कस देना है, इस वाले नट को, इस नट को कस के फिर इसमें लगाते हैं। चलिए मैं पहले कर लेता हूँ इसको। तो दोस्तों देखिए, ये मैंने नट अच्छे से टाइट कर दिया है, अब ये हिलने वाला नहीं है कहीं भी, ना तो घूम रहा है। मेक श्योर कि ये घूमे ना, क्योंकि वहाँ से भी फिर एयर जाने के चांसेस रहते हैं, जो विदाउट फिल्टर एयर जाएगी तो मतलब कम्बस्चन चैम्बर में इशू ही क्रिएट करेगी। तो ये टाइट कर लिया, अब आपने ये लगा देना सिंपल इस तरीके से। इसको अंदर प्रेस करेंगे, ये लग गया। इसका जो दूसरा है, इसको आपको लगाना है यहाँ पे, एक सेकंड में लगा देता हूँ। ये देखिए, ये पाइप भी लग गया है। इस तरीके से आपको लगाना है ये पाइप, पहले यहाँ पे लगा लीजिएगा, ये प्लास से पकड़ के थोड़ा सा इसको लूज करके, और इसमें अंदर इजीली घुस जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ लगा दीजिएगा। अगला आपको ये पिन लगा देनी है, ये जो पिन है सेंसर की, इसका ध्यान रखिएगा, ये हिस्सा और ये इस तरीके से ही लगाना है ताकि ये पिन अप हो जाए। इसको आप प्रेस कर दीजिएगा इस तरीके से, ये लग गया आपका। अब बस एयर फिल्टर लगा दीजिए। देखिए, ये एयर फिल्टर इस तरीके से फंसा दीजिए इसके नीचे। ये सेट हो गया। अब आपको कवर लगा देना है इसका ऊपर से, ये जो कवर है इसके अंदर फंसा के। ये देखिए, ये लग गया है। अब आपको ये वाला जो नट है ये टाइट कर दीजिए, और उसके बाद इसको इस तरीके से लगा दीजिए। हो गई आपकी गाड़ी क्लीन, 700-800 रुपये बच गए आपके। तो इसी तरीके से ये करना है आपको। तो दोस्तों, ये तो था कि जाना आपने कि किस तरीके से थ्रॉटल बॉडी खोलनी है, किस तरीके से एयर फिल्टर को खोल के क्लीन करना है, किस तरीके से थ्रॉटल बॉडी क्लीन करनी है। एयर फिल्टर थ्रॉटल बॉडी आप बहुत ही आसान तरीके से खोल के इसको साफ करके लगा सकते हैं दोबारा, या फिर इसको बदल सकते हैं आपका एयर फिल्टर को। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी गाड़ी को हमेशा जवान बनाए रखती हैं, और साथ ही साथ आपके 4 पैसे अगर बचते हैं, जो काम आप खुद कर सकते हैं, और आपके कुछ पैसे अगर बच जाए इस पेंडेमिक में, इस कंडीशन में, हर बंदा, हर व्यक्ति चाहता है सीएनजी पे गाड़ी चलाना, हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी पॉकेट पे 4 पैसे बच जाएं तो बहुत अच्छा हो। तो ये सभी चीज़ें मैं आपके पैसे बचाने के लिए, आपको एजुकेट करने के लिए बता रहा हूँ। और आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएगा, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ जल्दी ही किसी अगले वीडियो में, किसी नई जानकारी, किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित चलें।